नेक्स्ट यहाँ पर आता है बियॉन्ड प्रिपेयर्डनेस, द हिंदू का आर्टिकल है, हमें देखने को मिल रहा है, जीएस पेपर 3 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए सरकार जो है उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को अमेंड करने का प्रपोज किया है, ठीक है, इस एक्ट को अमेंड करने का यहाँ पर सरकार जो है उसने प्रपोज किया है। अभी प्रेजेंट एक्ट जो है वो किस पर फोकस करता है, प्रेजेंट एक्ट फोकस करता है प्रिपेयर्डनेस को इम्प्रूव करना। मतलब कैसे, मतलब हम यहाँ पर जो अलार्म सिचुएशन है जो ये है वो लगा दिए जाए कि सुनामी अगर आए तो हमें पता चल जाए, अर्थक्वेक आए तो पता चल जाए, तो प्रिपेयर्डनेस किस तरीके का है वो इम्प्रूव किया जाए। इमीडिएट रिलीफ, अगर यहाँ पर डिजास्टर हो जाता है, डिजास्टर मतलब क्या है, अलग अलग जो हमें अर्थक्वेक ये सब कुछ देखने को मिलते हैं, अर्थक्वेक होता है ना, सुनामी होती है, जो भी मतलब डिजास्टर देखने को मिलता है तो उससे इमीडिएट रिलीफ, मतलब फटाफट अगर फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, तो उससे लोगों को किस तरीके से बचाया जा सके, इमीडिएट रिलीफ मतलब उन्हें खाना दिया जाए, है ना, ये सब कुछ किया जाए, तो ये सब कुछ इमीडिएट रिलीफ में हमें देखने को मिलता है, तो इस पर फोकस करता है। उसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना, मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो ये तीन चीजों पर मोस्टली जो प्रेजेंट एक्ट है वो फोकस करता है। अभी देखिए एक्ट जो है वो प्रिपेयर्डनेस पर ज्यादा फोकस कर रहा है, मतलब यहां पर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्ली वार्निंग सिस्टम और इवैक्यूएशन, इस पर ज्यादा फोकस कर रहा है। इसका मतलब क्या है, टाइमली वार्निंग मिलना चाहिए, कहीं भी अगर फ्लड आने वाला है या फिर सुनामी आने वाली है, अर्थक्वेक आने वाला है, तो वहाँ के लोगों को अगर टाइमली वार्निंग मिल जाती है तो इवैक्यूएट करने में काफ़ी आसानी जाती है। उसी के साथ साथ अर्ली शेल्टर्स, मतलब यहाँ पर क्या है, लोगों को जो इवैक्यूएट किया गया है उन्हें शेल्टर्स में रखा जाता है, तो अर्ली शेल्टर जो है वो भी यहाँ पर देने की बात की जा रही है। मतलब क्या है कि यहाँ पर लोगों को शेल्टर मिल जाएगा, रुकने के लिए चीज़ें मिल जाएगी, और मैसिव इवैक्यूएशन, मतलब यहाँ पर हेलीकॉप्टर से बोलिए, किसी से भी बोलिए, मैसिव इवैक्यूएशन जो है इस पर यहाँ पर फोकस किया जाता है, तो फोकस जो है वो प्रिपेयर्डनेस पर ज़्यादा दी जा रही है। और इसी के चलते यहाँ पर सरकार ने कौन कौन सी चीज़ें बनाई थी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये क्या करते हैं, ये जब भी फ्लड इस तरह की डिजास्टर कोई भी आता है तो उसे प्रिवेंट करने के लिए ये सारे मेजर जो है वो देखते हैं कि भाई उन्हें खाना प्रोवाइड किया जाए, ये सब कुछ शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, इवैक्यूएट उन्हें किया जाए, वार्निंग सिस्टम दी जाए, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। अभी देखिए बेसिकली देखा जाए तो डिजास्टर मैनेजमेंट ही आपको सब्जेक्ट है, डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उससे आपको बहुत सारे सवाल जो है वो निकलते हैं, तो ये बेसिकली होता है कि डिजास्टर अगर हो तो ये है बिफोर द इवेंट, मतलब इवेंट होने के पहले आपको क्या करना है, तो प्रिवेंशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, है ना, यहाँ पर मतलब क्या है, प्लानिंग करना, प्रॉपर जो सिस्टम है ये डेवलप करना, जैसे कि टाइमली वार्निंग सिस्टम जो है ये यहाँ पर डेवलप कर देना, प्रिपेयर्डनेस रखना, मतलब प्री डिजास्टर एक्टिविटीज जो होती है वो यहाँ पर करना, उसके बाद जब डिजास्टर अगर हो जाए उसके बाद रिस्पॉन्स किस तरीके का है, मतलब इमरजेंसी मैनेजमेंट की फटाफट वहाँ पर पहुँचा जाए, फटाफट जो लोग हैं उन्हें इवैक्यूएट किया जाए, फटाफट जो लोग हैं उन्हें फूड पहुँचाया जाए, शेल्टर प्रोवाइड किया जाए, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और फिर आता है रिकवरी, रिकवरी में आता है जो भी चीज़ें गई उसका रिकंस्ट्रक्शन करना, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस का रिस्टोरेशन करना, ये आता है। अभी देखिए हमारे अगर एक्ट में देखा जाए, इंडिया के एक्ट में देखा जाए, तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब यहाँ से प्रिवेंशन से लेकर तो यहाँ तक सारी चीज़ें जो है हमें अच्छी तरीके देखने को मिलती है। सिर्फ ये जो आफ्टर द इवेंट रिकवरी है ना, रिकवरी जो है इस पर फोकस नहीं किया गया है, और वो भी कौन सी, लॉन्ग टर्म रिकवरी, इस पर फोकस नहीं किया जा रहा है, इस पर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म रिकवरी पर फोकस नहीं किया जा रहा है, हम क्या देख रहे हैं, अर्ली टाइम वार्निंग मिलना चाहिए, उसके साथ इवैक्यूएशन होना चाहिए, फूड मिलना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेल्टर जो है वो मिलना चाहिए, है ना। मतलब हजार्डस सिचुएशन एक बार हो जाती है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिकवरी कैसे की जाए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए डिजास्टर को हम काफ़ी नैरो प्रिज्म से देखने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम ही नैरो प्रिज्म से, जहां फूड, वाटर, मेडिसिन जो है ये प्रोवाइड कर देते हैं, सिर्फ इतना प्रोवाइड कर देते हैं, मतलब क्या है ये शॉर्ट टर्म मेजर्स है कि फूड प्रोवाइड कर दो, वाटर प्रोवाइड कर दो, मेडिसिन प्रोवाइड कर दो कि वह बच गए, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द स्टेट जो है वो शेल्टर का भी यहाँ पर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिकवरी जो है ये काफ़ी ज़रूरी होती है, लॉन्ग टर्म रिकवरी ज़रूरी है। लॉन्ग टर्म रिकवरी क्या है, लॉन्ग टर्म रिकवरी का मतलब होता है कि यहाँ पर जो लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड, एजुकेशन, वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ, इकोलॉजी ऑफ डिजास्टर अफेक्टेड कम्युनिटीज़, मतलब ठीक है आपने उनको बचा लिया, ठीक है कहीं पर फ्लड आया, फ्लड में उसका घर बह गया, सब कुछ, पैसा, सब कुछ चला गया, उसे आप, उसको आपने बचा लिया, उसको आपने फूड दे दिया, ठीक है, उसको आपने फूड दे दिया, मेडिसिन दे दी, वो बच गया। अब उसके बाद क्या, उसके बाद अपनी ज़िंदगी कैसे बिताएगा, तो लाइवलीहुड कैसे देना है,
फिर उसके बाद एजुकेशन उसे प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है, वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ, इकोलॉजी, ये भी तो ज़रूरी है ना उन कम्युनिटीज़ के लिए। ये जब आप दोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए वो सस्टेन कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए वो जी सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए खाना दे दोगे, मेडिसिन दे दोगे, तो जी रहे हैं लेकिन कैसे जी रहे हैं, प्रॉपर तरीके से जीना ही नहीं हो रहा है। दूसरा यहाँ पर आता है इनटेंजिबल लॉसेस, जैसे कि साइकोलॉजिकल नीड्स। क्योंकि देखिए इतना बड़ा ट्रॉमा लगता है, कोई भी इंसान जिंदगी चली जाती है उसे घर बनाने के लिए, जो चीज़ें हैं वो इकट्ठा करने के लिए, पैसे सेव करने के लिए, एक झटके में सब कुछ चला गया, तो आप सोचिए साइकोलॉजी उसकी कैसी हो जाएगी, है ना। इनटेंजिबल लॉस हम उसे कहते हैं, तो साइकोलॉजिकल नीड जो है कम्युनिटीज़ की, उसे भी इक्वली एम्फेसिस करना चाहिए। उसे हम करते हैं क्या, नहीं करते हैं। लॉन्ग टर्म रिकवरी नीड जो है वो यहाँ पर इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में रहना चाहिए, हेल्थ, स्किल, यहाँ पर स्किल बिल्डिंग रहना चाहिए, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन स्कीम जो है ये सब कुछ यहाँ पर लाना चाहिए, जिससे कि क्या है कि हम एक कम्युनिटी को सुदृढ़ बना सकते हैं और सुदृढ़ बनाने के साथ साथ उन्हें और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, जिससे कि वो फ्यूचर जनरेशन जो सस्टेनेबिलिटी है वो हम देख सके। और ये क्या होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, एटलीस्ट न्यू नॉर्मल जो है वो हम नया डिज़ास्टर आने से पहले एक न्यू नॉर्मल क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल उनके लिए नॉर्मल जो है पहले वो इतना था, ठीक है, इतना उनके लिए नॉर्मल था पहले, मगर अब डिज़ास्टर आया है तो ये सारी चीज़ें करके जो हम इन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें करके अब यहाँ तक वो पहुँच गए हैं, अब उनके लिए ये नया नॉर्मल हो गया है। तो एटलीस्ट ये नए नॉर्मल तक तो पहुंचना चाहिए नए डिजास्टर हिट करने से पहले, है ना, नहीं तो यहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम उन्हें सिर्फ जो शॉर्ट टर्म मेजर्स है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे कि वो यहीं तक रह रहे हैं, नीचे ही रह रहे हैं। हम यहां तक तो उन्हें लाना चाहिए जिससे कि ये एक नया नॉर्मल, न्यू नॉर्मल जो है वो क्रिएट हो जाए। तो इसके तहत हम यहाँ पर उन्हें अच्छा खासा जो एक सिनारियो है वो दे सकते हैं, एक जो अच्छी लाइफ है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरी क्या है, नीड ऑफ आवर क्या है कि लॉन्ग टर्म रिकवरी प्लान जो है वो भी यहाँ पर लाया जाए। हाँ, अभी यहाँ पर ड्राफ्टी है जो यहाँ पर लाया गया है, ये ड्राफ्टी है, लेकिन ये ड्राफ्ट में ये सारी चीज़ों पर बहस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए लॉन्ग टर्म रिकवरी प्लान्स के साथ।